नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारिक आपके साथ और क्विक सपोर्ट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर और अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि सबको अपनी तरफ खींच ही लेता है, लेकिन यहाँ पर टिकता वही है जिसमें दम होता है। यानी अगर आप में टैलेंट है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में अपनी चमक बिखेर सकते हैं। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें ढेरों करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत वाइड है इसीलिए एक ही वीडियो में सारी डिटेल्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में आपको फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नॉलेज देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में हम फिल्म इंडस्ट्री के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट करियर्स के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के करियर की बात कर लेते हैं, जिसके लिए यूथ क्रेजी रहता है। एक्टर बनने के लिए केवल लुक्स मैटर नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ भी आपका स्किल्ड होना जरूरी है। यानी आप एक कंप्लीट परफॉर्मर होने चाहिए। इस फील्ड में कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है कि आपको मल्टी टैलेंटेड होना होगा। यानी आपको एक्टिंग तो आनी ही चाहिए, साथ में आप डांस में भी बेहतर हो। आप जब स्टेज पर हो तो एक कम्प्लीट परफॉर्मर और एंटरटेनर की तरह नजर आए, तभी आपके चांसेस बनेंगे। एक्टर बनने के लिए आप सबसे पहले अपनी एक्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाएं। अगर आप एक्टिंग के कोर्स कर लेंगे यानी फॉर्मल ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपकी स्किल्स और पर्सनैलिटी दोनों इम्प्रेसिव बन जाएगी और आपके पोर्टफोलियो में भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जुड़ जाएगा। आपको रियलिटी शोज के जरिए खुद के टैलेंट को सामने लाना होगा। आप मॉडलिंग से भी शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको एड्स और एल्बम्स में जगह मिलने लगे। आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि नेटवर्क के जरिए ही आप फिल्म इंडस्ट्री में सही जगह पर अप्रोच कर पाएंगे। इसके अलावा आपको अपने लुक्स और पर्सनैलिटी पर भी काम करना होगा। लगातार खुद में सुधार करके और ऑडिशंस देकर आपको फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचने का चांस मिल सकता है, जो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी। ये काफी हद तक आपकी परफॉर्मेंस और आपके नेटवर्क पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इस फील्ड में तभी उतरे जब आप पैशनेट हो और जानते हो कि आप में एक सुपरस्टार का टैलेंट है। एक लीड एक्टर को मूवी के लिए 5 लाख भी मिल सकते हैं और 50 लाख से 1 करोड़ भी, लेकिन शुरुआत में ये इनकम काफी कम हो सकती है। ये सब एक्टर के रोल, एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन हाउस और पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करता है। और एक्टिंग एक क्रिएटिव प्रोफेशन है जहां पर आपको बहुत सारे किरदार प्ले करने होते हैं, बहुत सारे रोल निभाने होते हैं और कभी कुछ रोल आपकी पर्सनैलिटी के अपोजिट भी होते हैं। उस रोल में आपको डूब जाना होता है, खो जाना होता है, और सेम टाइम जब उस रोल को आप प्ले कर चुके होते हैं तो उस रोल से निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब एक रोल को आप जी लेते हैं साल भर, क्योंकि एक मूवी बनने में कम से कम साल भर का टाइम चला ही जाता है आराम से, तब उस कैरेक्टर से बाहर निकलने में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो प्रोफेशन है, बाहर से जितना दिखाई देता है इसके अंदर उतनी ही गहराई है, और उसी गहराई में जाकर के फिर आपको बाहर आना होता है, फिर एक कैरेक्टर के अंदर आपको जाना होता है। सो ये एक प्रोसेस है और इसके लिए चाहिए होती है कड़ी मेहनत, लगन और बहुत सारा जुनून। तो अगर ये आपके पास है तो आप एक्टर बनने के लिए अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले करियर ऑप्शन पर, जो है स्क्रीन राइटर। हर फिल्म एक स्क्रिप्ट पर टिकी होती है और उस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने या फ्लॉप होने में उस फिल्म की स्क्रिप्ट का काफी बड़ा हाथ होता है। ऐसे में स्क्रीन राइटर या स्क्रिप्ट राइटर का रोल एक फिल्म में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिसे एक्टर बनने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, वैसे ही स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये एक क्रिएटिव फील्ड है जिसमें आपके काम से ही आपके टैलेंट का पता चलता है। हाँ, ये भी सच है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है और अगर आप सीखते हैं कहीं से तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलता है। फिर भी अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग में कोर्स करेंगे तो आपके स्किल्स में फिनिशिंग आएगी और ये आपका एक प्लस पॉइंट भी बन जाएगा। इसीलिए अगर आप अच्छी स्टोरी लिखते हैं तो सीधे बॉलीवुड पहुंच जाने की बजाय फॉर्मल ट्रेनिंग ले लीजिए और फिर छोटे लेवल पर अपने टैलेंट को आजमा कर देखिए। अपने कॉलेज और थिएटर के ड्रामा शोज की स्क्रिप्ट लिखिए, शॉर्ट फिल्म की कहानियां लिखिए, उनका रिस्पांस देखिए। इस दौरान स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाइए, प्रोडक्शन हाउसेस को अपनी स्क्रिप्ट भेजिए और अगर आप नोटिस में आते हैं तो आगे बढ़िए। इस क्रिएटिव फील्ड में कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपके आइडिया के लिए बता दें कि एक स्क्रिप्ट राइटर को एवरेज 5 लाख पर एनम सैलरी मिल सकती है, जिसमें मिनिमम 2 लाख पर एनम और मैक्सिमम 10 लाख पर एनम हो सकती है। बाकी आप किस प्रोडक्शन हाउस से जुड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी वेरी करेगी। अगले करियर ऑप्शन की बात करें तो ये है सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर को फोटोग्राफी का डायरेक्टर भी कहा जाता है। एक वीडियो, शॉर्ट मूवी या फिल्म को शूट करना इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्क्रीन पर एक्टर्स, प्रॉप्स, लाइट्स वगैरह कैसे दिखाई देंगे, ये सब डिसाइड करना सिनेमेटोग्राफर का ही काम होता है।
इस करियर को अपनाने के लिए आपने टीम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आर्टिस्टिक और टेक्निकल नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सिनेमेटोग्राफी में यूजी और पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। आप इसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस लेना होगा, तभी आपको रियल नॉलेज मिलेगी। इस दौरान आप अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकते हैं और अपने टैलेंट से अपने लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इस पोजीशन पर एक फ्रेशर सिनेमेटोग्राफर के तौर पर आपको एवरेज 3.6 लाख पर एनम सैलरी मिल सकती है। और अब फिल्म इंडस्ट्री का अगला करियर ऑप्शन आता है, कास्टिंग डायरेक्टर। ऑडिशंस लेना, पोर्टफोलियो चेक करना और हजारों ऑप्शंस में से रोल के लिए परफेक्ट पर्सन को चूज करना कास्टिंग डायरेक्टर की ड्यूटी होती है। एक कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग, डायरेक्शन और बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जो आप कोर्सेज के जरिए ले सकते हैं। इसके बाद आप कास्टिंग डायरेक्टर के इंटर्न के रूप में भी काम करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो आप कास्टिंग असिस्टेंट और फिर कास्टिंग एसोसिएट रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपका एक्सपीरियंस आपको कास्टिंग डायरेक्टर भी बना सकता है। कास्टिंग डायरेक्टर को एक्सपीरियंस और फिल्म के बजट के अकॉर्डिंग एवरेज 5.5 लाख पर एनम सैलरी मिल सकती है। और अब इस वीडियो का फिफ्थ एंड लास्ट करियर ऑप्शन है असिस्टेंट डायरेक्टर का। डायरेक्टर बनने की जर्नी असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर के ही आगे बढ़ती है, और असिस्टेंट डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो फिल्म कंप्लीट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्टर्स कॉल शीट्स मेंटेन करना, प्रोडक्शन टीम के साथ मीटिंग होस्ट करना और फिल्म के शूट को कंप्लीट करवाने जैसे इम्पोर्टेंट टास्क असिस्टेंट डायरेक्टर ही पूरा करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको फिल्म के सेट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और इसके लिए आपको किसी फिल्म स्कूल से ट्रेनिंग लेकर इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी लेना होगा। एक असिस्टेंट डायरेक्टर को एवरेज 6 लाख पर एनम सैलरी मिल सकती है। अब फॉर्मल ट्रेनिंग यानी कोर्स की बात करें तो फिल्म मेकिंग से जुड़ा कोई भी कोर्स करने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी है 10+2, जबकि कुछ कोर्सेज के लिए आपका ग्रेजुएट होना भी जरूरी होगा। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और ग्रेजुएट फिल्म कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए आपका 12th क्लास क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, जबकि ज्यादातर पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपका सेम फील्ड में ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। ज्यादातर कोर्सेज में उस इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है। अब आपको कुछ फिल्म मेकिंग कॉलेजेस के नाम भी बता देते हैं जहां से आप सूटेबल कोर्स कर सकते हैं, और यहां आपको अलग अलग ड्यूरेशन और फीस वाले बहुत सारे कोर्स ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा, सेंटर फॉर रिसर्च इन आर्ट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन दिल्ली, KR नारायणन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल साइंस एंड आर्ट्स केरला और MIT स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ओवरऑल बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में आप करियर कैसे बना पाएंगे, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं हो सकता, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपका पैशन, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड कोर्स या फॉर्मल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, नेटवर्क, ऑडिशंस, अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन माइंडसेट और लगातार एफर्ट्स आपको करने होंगे। तो ये सारी चीजें आपको फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का मौका दे सकती हैं। इसलिए सही गाइडेंस के साथ एफर्ट्स कीजिए। तो क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे इस वीडियो में। फिर भी कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ जो लोग आज हमसे नए नए जुड़े हैं उनके लिए यही बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसी नई नई जानकारियां हमेशा आपको मिले और कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करना चाहे तो उसके लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो आगे और ऐसी जानकारियों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए क्विक सपोर्ट के साथ बनाए रखिए अपना प्यार और सपोर्ट। धन्यवाद।